देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। बुलेटिन की शुरुआत रायपुर के साथ, जहां पर जेल भेजे जाने से पहले कोरोना की जांच के लिए मेकाहारा में भर्ती किया गया निगरानी बदमाश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया है। इधर मोहदा पारा थाने में FIR दर्ज कर पुलिस बदमाश की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि आरोपी निगरानी सुना बदमाश है और गिरफ्तार कर जेल भेजना था उसे, मगर उसके पहले ही उसे क्वारंटीन करने के लिए COVID-19 के सेंटर में दाखिल कराया गया था। COVID-19 सेंटर से आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। इधर बदमाश की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आई है, रिपोर्ट आने वाली थी। हालांकि पुलिस अधिकारी का कहना है कि बदमाश की तलाश की जा रही है और काम में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों की भी जांच की जा रही है, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जब न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल करने के लिए उसको भेजा गया तो वहाँ पे जेल के द्वारा बोला गया कि इसमें अभी इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते, पहले इसका टेस्ट हो जाए। तो उसको मेकाहारा में एडमिट किया गया था, मेकाहारा में वो एडमिट था, उसी दौरान वो आज सुबह सुबह वहाँ से भाग गया है। उस संबंध में थाना मोहदापारा में FIR कर दिया गया। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से हेमंत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, कितनी बड़ी लापरवाही से कहें पुलिस की, क्वारंटीन सेंटर से निगरानी शुदा बदमाश फरार हो गया। पुलिस और अस्पताल प्रबंधन दोनों की लापरवाही इसमें नजर आ रही है, क्योंकि दो दिन पहले एक जो स्थायी वारंटी है वो अस्पताल में दाखिल होता है। दरअसल जेल दाखिल करने से पहले उसका कोरोना पॉजिटिव जो रिपोर्ट है वो टेस्ट होना था और उसी के चलते उसे पुलिस प्रशासन द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसका टेस्ट भी सैंपल लिया गया था, उसके बाद आज उसकी जो रिपोर्ट है वो आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही आज तड़के सुबह 5 बजे वो जो दो पुलिसकर्मी हैं जो उसके सुरक्षा में लगे हुए थे उसको चकमा देकर वो फरार हो गया है। इसके पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो आरोपी है अशोक मंडल वो किस तरीके से अस्पताल में हंगामा कर रहा है वो उसमें साफ तौर पर दिखाई नजर आ रहा है। जो भोजन प्लेट है खाली है उसको वो पटकता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पूरी जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो वहाँ पर थे या नहीं, या वहाँ पर वो सोए हुए थे। इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो SSP अजय यादव ने मंगाई है और उसके बाद निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लापरवाही है एक बड़ी पुलिस की, COVID-19 सेंटर से आखिरकार बदमाश कैसे फरार हो गया। अरे वही वीडियो है जो आरोपी का लगातार वायरल हो रहा है क्वारंटीन सेंटर से। बहुत दिमाग से रख रहे तुम लोगों को।